मैडम 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 आराम से मैडम आराम से आराम से कोई बात नहीं साइड मारो वैसे दुख गई साइड मारो इधर इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर इधर आ जाओ आयो रे मां आराम से वहां से सिग्नल तो दिया दीवार आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साइड में वैसे दुख गई साइड मारो साइड में आ जाओ मैडम जी आप आराम से उतर जाओ साइड में लगा लो हटो आज बैठ जाओ सामने साइड में लगा लो साइड में लगा लो मैडम जी को ठंडी लग रही है बिल्कुल लगा लो साइड में लगा साइड में लगा ओए ओए ओके भाई साहब माइक को थोड़ा छुपा दिया था ना अंदर छुपा ही रखा था दादा नहीं हो रिया ना गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही गाड़ी आ रही तो एंटो के पीछे कैसे चला रही है भाई पापा की परी आ रही है यमराज आ रहा मैडम 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 आराम से मैडम आराम से कोई बात नहीं साइड में हाँ साइड में आ जाओ मैडम आप बहुत बहुत ही खतरनाक तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो थोड़ा साइड आ जाओ आराम से आराम से चला के आ रही थी एक काम करो मैडम दिल या मुंह पे आने वाला था और मुंह से बाहर साइड में भैया यूं कहाँ गया मैडम को छोड़ के चला गया मैडम ये कौन था भाई आपका नहीं बॉयफ्रेंड था मेरा फ्रेंड था ठीक है सर थोड़ा हेलमेट पहन लो अभी बताऊंगा इन्हें मैडम खड़ी ना खूबसूरत सी साइड में को इसलिए कुछ ना कहा मैंने बड़ा हरामी हो बेटा रात दिन रात हम साथ देंगे आपका बिल्कुल बेफिक्र रहो आप क्या मतलब है मतलब के हम दोस्त हैं ना आपके दोस्त बन जाएंगे क्यों जी हम क्यों खड़े थे पता है हम चालान काटने के बैठे थे आपका हम चालान काटते हेलमेट का लाइसेंस का आरसी का इन सब का चालान काटते मैडम का काट के चला गया वो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा जाना है आगे मेरी बात समझो सर मेरा फ्रेंड वेंटिलेटर उसके हाथ पैर कान सब टूट चुके हैं अच्छा जी क्या हुआ ऐसा सर उसका एक्सीडेंट हो गया था मतलब ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया चलते चलते बेचारे नीचे गिर गया वो तो उसके हाथ पैर कान सब टूट चुके हैं सर उसकी आखिरी इच्छा है वो मुझसे नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा सर आप जिस तरीके से गाड़ी चला रहे ना मैडम हमें डर लग रहा है कि आप किसी को आगे जाके वेंटिलेटर पे ना पहुंचा दो तो थोड़ा सा डर लग रहा है मैडम आप अपना लाइसेंस दिखा दो हेलमेट आर से दिखा दो और चले जाओ मैं कब कर रहे हैं आपको अगर ऐसी बात है चलो अगर ऐसी सिचुएशन है कोई बात नहीं आप फोन मिलाओ अपने दोस्त के नंबर पे हम भी पूछ रहे हैं जरा क्या कंडीशन है उसकी नंबर ही बता दो नहीं ना फोन इसीलिए मैडम कोई ना कोई तो उठागा इतनी बड़ी बात होगी उसके साथ फैमिली तो होगी ना वहाँ पे आप हमारी बात करा दो बस उनसे हाथ टूट रखे वो फोन कैसे उठाएगा अरे कोई और तो उसका फोन उठा लेगा मैडम आप हम आपका ना उठाएगा फोन कोई बात नहीं आपका हम हेलमेट नहीं देखेंगे लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं देखेंगे आप बात करा दो हमारी बस नंबर तो मिलाओ एक बार नंबर मिला के बात करा दो मैडम ठंडा लग रहा है आपको या हमारी कभी छुट्टी पड़ी आपको ठंडा लग रही जैकेट स्वेटर वगैरह सब पहन के खड़े हैं पहन रखी है जैकेट मैंने अरे ऊपर की ना बात कर रहा हूँ मैं नीचे की बात कर रहा हूँ मैडम मतलब ठंड हो रही है थोड़ा आपको लग नहीं रही ठंड नहीं लग आप लड़कियाँ हॉट होती हैं कौन सा हीटर लगा रहे हो भाई मेरे को यही ना समझ आता हाँ मैडम को बिठा लेते कोई बात नहीं मैडम अच्छा एक काम करिए आप रोइए मत मैडम रो क्यों रही हैं आप रोइए मत हम कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे और जा रहे हैं कोई बात नहीं चलो जी एक काम करते हैं चल रहे हैं आप बुला लो उन्हें ठीक है हम जा रहे हैं कुछ और पूछना तो पूछ लो आप भी रहते हो आप पास में रहते हो इंस्टाग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम से क्या लेना तेरे हेलमेट पहन ले बेटा साइकिल पे कौन हेलमेट पहनता है नहीं मैडम देखो हम साइकिल पे हो या कैसे हो हेलमेट हम जरूर भाई बड़ा दुख हुआ यार आपके बारे में सुन के आपके हाथ पैर कान सब टूट गए क्या हो गया भाई कौन हो तुम आपका नाम क्या मैडम मेरा नाम तो रितिका है अरे रितिका के दो अरे रितिका का दोस्त बोलना ना भाई तू बोल रितिका बोल रही हूँ मैं रितिका कहाँ हो तुम अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तू तो हॉस्पिटल में है ना वेंटिलेटर पर क्या हो गया किसने बोला तुम्हें तबीयत तो ठीक है तेरी ऐसे पार्टी के लिए इंतजार कर रहा हूँ आई नहीं यार तू गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे भाई तेरी टांगे वांगे ना टूटी हुई क्या नहीं भाई कौन हो तुम ये तो बताओ मेरी टांगे टूटती अरे मैं सब इंस्पेक्टर क्या नाम है मेरा जी त्यागी जी त्यागी जी बोल रहा हूँ भाई दिल्ली पुलिस से ओ सर सॉरी सर अरे ये लड़की यू बता रही तेरी दोस्त जो रितिका आई हो
क्यों कह रहे भाई तेरी तो दोनों हाथ पैर टांग वांग सब टूट गया, तू आखिरी आखिरी तेरी इच्छा है कि तू इसे देखे। सर आपने पकड़ लिया क्या उसे? हां भाई यार राहुल मैं यहां पे पकड़ी हुई हूं, बता तो दे सही सच बता दे तू वेंटिलेटर पे है ना? सर अपनी स्कूटी से वो अपनी स्कूटी से वो हां अरे ऐसे चला रही थी, मेरा दिल मुंह से निकल के बाहर जमीन पे गिरने वाला था अभी। सर मेरी बात सुन तो नहीं रही वो, कहीं स्पीकर पे तो नहीं फोन? नहीं 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 स्पीकर पे नहीं भाई। बोल सर वो बहुत मोटी पार्टी है उससे जितना काट सको काट। हर एक फ्रेंड कभी ना होता है। नंबर लो पहले तो नंबर बताओ मैडम, कोई बात नहीं है मेरे पास तो है। अरे कैसा लगता है यार इन पे फोन भी नहीं ऐसे छोड़ के फोन ले, उन्हीं के पास हैगा तुम्हारा? हां मिलाओ मिलाओ कोई बात नहीं, मिलाओ मिलाओ। स्पीकर ऑन कर लो मैडम जरा हम भी सुन ले। हेलो हेलो हां बेबी बोलो। बेबी के बच्चे तुम मुझे छोड़ के ऐसे क्यों चले गए? अरे कहां छोड़ के गया मैं तो, बस बड़ी जोर से पेशाब लग रहा था तो टॉयलेट करने गया था, बस वॉल्यूम आ गया था। झूठ मत बोलो, तुम पुलिस वाले देख के मुझे अकेला छोड़ के चले गए? बस टॉयलेट आ रही थी मैं, सच में मैं टॉयलेट गया था मैं। हां तो कितनी देर में आ रहे हो लेने आओ मुझे? बस मैं आ ही रहा हूं। पहले ये बताओ वो हाथी भैंस वाला जो था वो चले गया? हां चला गया। जल्दी आने तो गला दबा दूंगी मैं। हाथी पुलिस वाला बोल रहा बहन भी आ गया वो बाहर निकल गया ना सदमे से, इसीलिए बेचारे की हालत खराब है। वो कुछ वो समझ नहीं आ रहा उसे क्या बोलना है। मैं जाऊंगी तो देखो मैडम आप मेरी बात सुनो, आप देखो अच्छे खासे घर से लग रही हूँ मैंने, देखने भालने में भी अच्छी लग रही हो। आप ऐसा झूठ नहीं बोलते, इतना मोटा मोटा झूठ मत बोलो, हमें हजम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। ज्यादा ही मोटा हो गया। झूठ नहीं कह रही, वो बेचारा सदमे से अभी निकला, सब विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वैसे जा कर रहे थे, अब तो सच बता दो जा कर रहे थे? हॉस्पिटल जा रही थी मैं। अब तो सच बता दो। अरे इस रास्ते में मैडम 5 किलोमीटर तक दूरी पे हॉस्पिटल नहीं है कोई, कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हो आप? वो घर के ही कुछ हॉस्पिटल है तो मतलब घर में ही है वो। दोस्त ने बोला की पार्टी में जा रहे हैं आ जल्दी से। सर वो अभी सदमे से निकला है, सच कुछ बोल नहीं पा रहा, कपड़े ना देख रहा साहब, पार्टी वाले लग रहे हैं, पार्टी वाले डिस्को में नाचने वाले लग रहे हैं। और ये हॉस्पिटल आने की सिचुएशन बहुत मन है नाचने का, चलेंगे सर? वो तो उसकी मम्मी से मिलने भी जा रही थी ना मैं, इसीलिए बस ऐसे ही तैयार हूं। अच्छा सर जान तो सारा बहुत परेशान है सर। तो परेशान तो नहीं लगा बिल्कुल भी सर, वो उसकी बातों से लगा पर मुझे उसके दिल की बातें मालूम है सर। अच्छा हेलमेट कहां है आपका? सर बस यहीं तक तो जाना है, फिर हेलमेट ही का जरूरत है। जब जा पाओगे जब आप उसे पकड़वाओगे, हम यहाँ छुपे हैं, बुलाओ उसे, बुला लो ना। आती कैसे बोला मुझे, जल्द बुलाओ। तो बुलाओ उसे। अच्छा बुलाओगे आपको तो लेके जाएगा ना, वो हम यहीं खड़े हैं। 2000 years later. हाँ भाई साहब कहाँ कहाँ तुम तो कह रही थी कि चले गए। हाथी पुलिस वाला कहाँ से दिख रहा हूँ पहले तो मुझे यो बता दे। मतलब आप खाने पीने वाले मतलब हेल्दी है तो बस तुझे मैं हाथी पुलिस वाला कहाँ से दिख रहा हूँ? सुतरा फोन स्पीकर पे था हाथी पुलिस वाला बोल रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो लड़की को छोड़ के भाग गए। और तू उस लड़की की टेंशन ले, इसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप क्यों खड़ा हो सर? मैं खड़ा हूँ ना। ठीक है सर कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। हम छोड़ के आएंगे। हाथी पुलिस वाला बोल रहा हमें। हाँ भाई अरे तू छोड़ दे, हाथी पुलिस वाला बोल रहा मैं तुम मेरे को साहब जी देख रहे हो जी ये कौन मार के जा रहे हैं हाथी पुलिस। अरे छोड़ो तुम, इससे पहले मेरे को बात कर। साहब जी आप मार रहे हो ठीक है, ये पीछे से कौन आके मार के जा रहा है साहब जी? साइड डलवा लेते हैं सर, है ना? इंस्टा आईडी डाल दो वगैरह डाल दो, चला जाओ कोई बात। कैसे है मतलब आप? अरे मैडम हम भी जवान शवान है, हमें भी हमारा भी दिल है, हमारे अंदर भी दिल है, ऐसी बात नहीं है। हमारी आवाज से आप क्यों मर के हो सर? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आप क्यों मर के हो? अब इनको देख, मैं मांग रहा हूँ ना आईडी। आप मैडम मेरी अभी 26 साल की उम्र है, कैसी बात कर रहे हो आप? आप की उम्र पे सही कह रही है मैडम बिल्कुल। इंस्टा डाल दो इसमें अपना, मेरा मोबाइल कौन मांगता है सर? मैं तो इंस्टेंट चलाती लेकिन। अरे तो आपसे कांटेक्ट कैसे होगा सर? मतलब फोन था मेरा, अभी मैं आई थी ना तो वो रास्ते में गिर गया। मतलब फोन था और फोन है भी नहीं, कुछ नहीं, चलाती मतलब, भी नहीं मतलब हो। मतलब था फोन, वो रास्ते में भी आई थी ना तो वो ऐसे ऐसे स्कूटी होगी तो वो गिर गया। ये
पर मैं तो कुछ भी नहीं चला, मेरा फोन ही नहीं है मेरे पास। अरे ये लड़की बड़ा फेंक रहे भाई, आपको बता रहा हूँ साहब जी। मैडम मेरी बात सुनो, तुम बॉयफ्रेंड चेंज करो, मेरे जैसा कोई नया बॉयफ्रेंड बनाओ अपना। मतलब इस बंदे पर आप एक ऐसी बात बोल रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड शादी होने वाली है साहब जी हमारी, आप तो शादी करवाओगे सर मेरी इनके साथ? मेरे साथ करवा लो। टॉयलेट गया था मैं, बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं रही मेरी बात को, तुम्हें मुझ पे। चलो मैडम यहाँ मत, अरे यहाँ मत लड़ो, ये बड़ा बुरा लगता मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मियाँ बीवी को लड़े ना, मुझे बड़ा झिझक उड़ो। आगे से पेपर हेलमेट लेकर चलना इसके साथ में, ठीक है जी साहब जी। हैं जाओ जाओ, शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। इंस्टा आईडी तो देनी है आपने, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो चलो। मैडम नया बॉयफ्रेंड ढूंढो कोई हमारे जैसा है, अट्टा गट्टा। अरे मतलब ये है कि बस छोड़ो, आपको छोड़ के ना भागे यार, माल बड़ा प्यारा था यार। उधर निकल जाता हूँ। देखो कोई बात नहीं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर तो दे दो कम से कम। समय सिम टूट गई ना गलती से। गजब टूबी बाज आ गई। ठीक है फोन खो गया, सिम निकलवा लेंगे दोबारा। सिम भी टूट गए भाई। सिम टूट गई मतलब वो फोन ऐसे ऐसे गिरा तो सिम ऐसे निकल गई। तो कोई बात नहीं, आप नंबर दे दो मुझे, जब सिम वापस ऑन होगी तो। मैं मुझे याद नहीं है, मतलब मैं थोड़ा पड़ी पड़ी हुई हूं तो मुझे नंबर याद नहीं है। रहती कहां वैसे आप? मैं ऐसे जाके थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे जाके आप ऐसे जाओगे तो मेरा घर आ जाएगा। ऐसे जाके ऐसे का एड्रेस बताओ, मतलब यहाँ से सीधा जाके फिर राइट जाके। अरे एड्रेस बताओ मैडम, ये ऐसे ऐसे मत करो। एड्रेस नहीं मालूम मेरा मुझे, मतलब मुझे बस ये मालूम कि ऐसे जाके ऐसे 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 में मुड़ के मेरा घर आ जाएगा। मैडम आप दिन में नाश्ता नहीं करती थी? ओ मैडम जाओ जाओ जाओ, आप जाओ, आप जाओ, आप ना जुड़ वाली अपना आगे जाओ आप। थैंक यू। हेलमेट वगैरह लेके पहना करो। नहीं मैं हेलमेट अगली बार से पहन लूंगी पक्का पक्का। थैंक यू। चलो जी सर जी, इन्हें दिमाग के कीड़े मार दे लौंडिया ने यार। आ जाओ आ जाओ, लस्सी अस्सी पियेंगे। Hold me close till I get out.